हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है और जैसे स्मूथ रनिंग के लिए मशीन को ऑयल की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को भी होती है, क्योंकि हमारी ये बॉडी एसेंशियल फैटी एसिड्स बना नहीं सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे खाने के साथ थोड़ा सा ऑयल खाएं। जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल। आप बेशक कम खाएं लेकिन ऑयल थोड़ा सा जरूर खाएं। एंड ब्रेकफास्ट इज द राइट टाइम टू हैव दिस ऑयल, क्योंकि आपके दिन भर की मेहनत में ये ऑयल बर्न आउट हो जाता है। और आज की जो ये रेसिपी है उसे बनाने की प्रथा सालों से चली आ रही है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं पराठे, लेकिन ऐसे वैसे पराठे नहीं, एक स्पेशल पराठे स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ। हम आज बनाएंगे टोफू और स्पिनच के पराठे। वैसे जिन लोगों को स्पिनच यानी पालक ज्यादा पसंद नहीं है, पराठे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पालक खाने का और टेस्टी भी। तो आज हम लेंगे एक कप कटी हुई पालक, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, और हमारे पास है टोफू, ये हमें क्रम्बल करके इसमें डालना है। लगभग 1 कप क्रम्बल किया हुआ टोफू, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि ये सोया से बनाया जाता है, सोय मिल्क से बनाया जाता है। ये बिल्कुल पनीर की तरह होता है, पनीर जैसे हम दूध से बनाते हैं, ये सोय मिल्क से बनाया जाता है। इसको हमने अच्छे से क्रम्बल किया है और अब हम ये डालेंगे हमारे आटे में। अब इसके साथ 1 कटी हुई हरी मिर्च, और हमें इसमें डालना है थोड़ा सा अदरक, तो हम डालेंगे 1 स्पून अदरक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, ये हमने रोस्ट किया हुआ है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसके साथ हम डालेंगे 1/4 कप दही, थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए और थोड़ा सा पानी लेके हम इसे एक स्टिफ डो में नीड करेंगे। इसमें टोफू डाला हुआ है तो उसमें वैसे भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, आपको बिल्कुल ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा तेल लगा के रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। थोड़ा सा तेल डालिए, ये हमारा डो बन गया है। इसे हमें रैप करके गीले कपड़े में रखना है, तो मैं मेरा कपड़ा गीला करके लेकर आती हूं। बस अभी इसे 30 मिनट के लिए हमें रखना है। मुझे ये आटा 30 मिनट के लिए रखना है, इसलिए मैंने ये आटा पहले से ही बना के रखा हुआ है और अब हम पराठे बनाने के लिए ये वाला आटा इस्तेमाल करेंगे। तवे को गरम करते हैं और बेलते हैं हमारे पराठे। मुझे अक्सर इंटरेस्टिंग चीज या कुछ डिफरेंट करने का मन करता है, तो आज हम ये पराठे स्क्वायर बनाएंगे। और इसको थोड़े से स्क्वायर शेप में काटेंगे ताकि प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट हो। ये तैयार है हमारे स्क्वायर पराठे। अब जैसे ही तवा गर्म हो जाता है हम इन्हें सेकेंगे। चलिए, पराठा तो डाल दिया, तेल अभी डालने की जरूरत नहीं है,
जब हम उसे टर्न करेंगे तो हम उस पे तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल, अच्छी तरह से उसे ब्राउन करते हैं। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा तेल डालेंगे। और टर्न करेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से ये बन रहा है। छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स आ गए, बस हमें इतना ही उसे पकाना है। ये लीजिए हमारा लास्ट पराठा। थोड़ा सा तेल, फिर से एक बार फ्लिप, अच्छी तरह से पकने दीजिए। छोटे छोटे से हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तो दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा हल्का सा तेल डालिए। बिल्कुल दो तीन ड्रॉप लगते हैं, वैसे ज्यादा भी नहीं जरूरत है। अच्छी तरह से रेडी हो गया है, ये सॉफ्ट है और बिल्कुल प्रोटीन से भरा है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि टोफू पनीर के बजाय आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लीजिए बन गए हैं हमारे पराठे। अब इस पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, यानी मक्खन। मक्खन के साथ पराठे, क्या बात है। आप देखिए इसकी रेसिपी। टोफू और स्पिनच के पराठे बनाने के लिए एक बड़ी कटोरी में पालक और गेहूं के आटे को डालिए। टोफू को अच्छे से मैश करके उसमें डालिए। उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, स्वादानुसार नमक और दही डालिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंदिए। गूंदे हुए आटे को तेल लगा के हल्के से फिर से गूंदिए। एक गीले मलमल के कपड़े में उस गूंदे हुए आटे को डालिए और तकरीबन 20 मिनट रेस्ट दीजिए। अब उसके छोटे छोटे लोए बनाइए और उसे आटा लगा के उसे रोटी की तरफ बेलिए। स्क्वायर शेप में इसे काटिए। अब एक तवे को गरम कीजिए और दोनों तरफ से पराठे को अच्छे से पकाइए। अब टोफू और स्पिनच के पराठों को एक प्लेट में सजाइए और उनके ऊपर थोड़ा मक्खन डाल के सर्व कीजिए। एक फ्रूट है जो हम सबको बहुत पसंद है और इस फ्रूट का हम क्या बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद, तो कहीं जाइएगा मत।